previously on Adeem Studios. कि सोशल मीडिया जो है वो काफी हद तक सुरवार है इन सब चीजों को. ख्वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे. फ़र्ज करें, मिसाल के तौर पे आप किसी के लिए कोई वीडियो शूट कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट है उसके हाथ में कोई ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर लोगो है, मिसाल के तौर पे आईपैड या कोई ऐसा फ़ोन या और भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिनके ऊपर उनके लोगोज बड़े विजिबल होते हैं, और क्लाइंट ये चाहता है कि दौरान एडिटिंग आप वो लोगो माँ से हटा दें, गायब कर दें, लोगो माँ नज़र नहीं आना चाहिए. प्रीमियर के अंदर ये कैसे होगा? जस्ट हमें उसको मास्क करना है, फिर ट्रैक करना है और लोगो वहाँ से गायब हो जाएगा. तो बगैर डिले के चलते हैं प्रीमियर पे और देखते हैं कि जादू कैसे होता है. ओके जी, मेरे पास एक क्लिप है जिसके ऊपर एप्पल का लोगो है जो कि हमने करना है अभी ख़त्म, और ये कैसे होगा फ़ौरन से पहले इस पर चलते हैं. सबसे पहले हमने बनानी है इसकी एक डुप्लीकेट लेयर. ऑल प्रेस करें, ड्रैग करें ऊपर की तरफ, डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी. जो फर्स्ट लेयर है उसे करना है हमने हाइड. सेकेंड पर करें क्लिक, इफ़ेक्ट्स पे आएँ, क्रॉप ढूंढें, क्रॉप को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें सेकंड क्लिप पे. और क्रॉप के नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इसके नीचे एक पेन टूल है उसको आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आपने शेप ड्रा करनी है जो कि बाद में इस लोगो को कवर कर सके, कुछ इस तरह से. फिर आप आए नीचे फैदर पे, फैदर दें आप इसको 35 और 38, और एक्सपेंशन इसकी 28, वो अपने हिसाब से. फिर आपने क्या करना है, क्लिक करना है इन्वर्टेड पे, और नीचे लेफ्ट है, इसको आप कर दें 100. और जो नीचे की जो फर्स्ट लेयर है, जो ओरिजिनल फाइल है, उसको करें आप अनहाइड. फिर आपने क्लिक करना है सेकंड पे, मास्क पे ऊपर आएँ पोजीशन पे, इसको मूव करें एप्पल के बिल्कुल ऊपर, और कुछ इस तरह से. बस ये ख्याल रहे यार कि बिल्कुल सेंटर में आना था कि फिर वो अच्छा लगे. ये चेक करने के लिए ओपेसिटी इसकी कम करें और कोशिश करें कि बिल्कुल सेंटर में सेट हो. ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने आना है मास्क पे, और मास्क पाथ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप पे, उस पर क्लिक करें. और याद रहे कि जो कर्सर है ना, ये स्टार्ट में रहना चाहिए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हो. इसके बाद आपने करना है मास्क पाथ के साथ ही एक की फ्रेम है, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे हम प्रीमियर को बोलेंगे कि खुद ही इस सारे किस्से को ट्रैक करे, मास्क करे, जो भी करना करे, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े. कुछ हुआ तो एंड में देख लेंगे. तो मास्क पाथ के आगे थर्ड ऑप्शन है ट्रैक सिलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड, इस पर क्लिक करें और जाने दें. ओके जी, मास्क हो गया, अब हम करते हैं इसको रन. हाँ जी, लोगो प्रॉपरली पूरी तरह से गायब हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें, और ये बहुत अच्छी बात है, हम देखने नहीं चाह रहे थे तो इसलिए नज़र नहीं आएगा. तो ये था जी ट्रैक मास्क, मास्क ट्रैक या ट्रैक मास्क, कुछ भी आप कहें, बस इतना सा काम है, बहुत इजी है. हाँ, अगर कोई मसला बनता है ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फ्रेम बाय फ्रेम आपने इसको सही करना है. मास्क पर क्लिक करेंगे आप, और ईच फ्रेम जहाँ से कुछ नज़र आ रहा है ना जिस फ्रेम के ऊपर, वहाँ ले जाके आपने फिर इसको पेन से खुद से सिलेक्शन करनी है, ठीक है, जो कि बहुत इजी काम है. एक फ्रेम मूव करें यहाँ से, फिर ढूंढें कुछ जगह नज़र तो नहीं आ रही, फिर मूव करें, फिर मूव करें, जितने भी फ्रेम्स ख़राब हैं उनको आप मैन्युअली फिर बाद में इस तरह सही कर सकते हैं. दैट्स इट. तो बस यार, आपने इसको मास्क करना है, फिर ट्रैक करना है, और लोगों में से गायब हो जाएगा. ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को गायब करने के लिए ये तरीका करें, फॉर्मेट यही है, आप किसी और चीज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है ये. बाकी इस सब में कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट करें, पूछें. और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो माजरत. फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.